हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली मिठाई रसगुल्ला। रसगुल्ला बनाएंगे और उसके बाद में हम उसे रसमलाई में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पहले रसगुल्ला। उसके लिए ये 2 लीटर हमने काऊ मिल्क लिया है, गाय का दूध, इसे मैंने गैस पे गर्म करने के लिए रखा है। हमारे दूध को उबाल आ चुका है, अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और दूध को थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून नींबू का जूस और उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के मिक्सचर बनाया है। ये हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने 10 मिनट पहले ही ऑफ कर लिया है। अभी हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसे, फिर बाद में हम इसमें ये ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे कर्डल करेंगे, दूध को फाड़ेंगे। हमारा दूध फट चुका है इस तरह से। ये इतना हमारा ये बच्चा है, हम ये नहीं डालेंगे इसमें और इसे हम अभी छान लेंगे। चाली पे हमने ये कपड़ा डाल लिया है और इसमें हम ये जो पनीर हमारा बना है छेना, ये हम इसमें डालेंगे। ये जो छेना बना है इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से धो लेंगे। इससे हमारे छेने का जो पकने का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, इसमें जो नींबू का स्मेल है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे टांग के रखते हैं। इसे हमने 20-25 मिनट के लिए बांध के रखा था, अभी इसे हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। अभी हम इसे मस लेंगे, मसल तो टाइम हम इसे हाथ के इस पोर्शन से मस लेंगे। ऐसे 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही मसलना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट उसके गोले बने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे छेने में से कितना ऑयल ऐसा निकल रहा है। अभी हम ये इसमें 2 टीस्पून, ये टीस्पून है, ये 2 टीस्पून हम इसमें एक कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप मैदा यूज़ कर सकते हो, आरारोट यूज़ कर सकते हो, मैं इसमें ये कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ये हमने 2 लीटर का बनाया है इसलिए हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। वापस से 2 मिनट के लिए हम हाथ से ऐसे नीचे के पोर्शन से इसको ऐसे मस लेंगे। एक बड़ी कढ़ाई हमने रख ली है, 1 कप इसमें शक्कर डालेंगे सिरप बनाने के लिए और उसमें हम 5 कप पानी डालेंगे। सिरप को हम उबलने देंगे। ये 6-7 हमने इलायची लिए है, छोटी हरी इलायची, इसको हमने ऐसे बीच में सिर्फ कट करके इसमें डाला। इसे सिरप को हम उबलने देंगे, तब तक हम गोले बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम साइज का मैंने लिया है गोला। इस तरह से मैं सभी गोले बना लेती हूँ। ये हमने सभी बॉल इसमें डाल लिए हैं। अभी 3 मिनट हम इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही उबलने देंगे। शुगर सिरप हमारा उबल रहा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये 3 मिनट हो चुके हैं इसमें डाल के बॉल्स को। अभी हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए सभी बॉल्स को हमने पलट लिया है। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन रखूँ और 8 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे। गैस का फ्लेम हमने बड़ा ही रखना है क्योंकि कंटिन्यूसली उस पर उबाल आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले कितने फूले फूले बने हैं। ये अभी हमारे 7-8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम वापस से इसे 7-8 मिनट के लिए रखेंगे। मैं सबको पलटा लेती हूँ दूसरी साइड पे। शुगर सिरप है, उसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रहनी चाहिए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे और दूसरा पानी की लेवल भी कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बाजू में पानी उबालने के लिए रखा था, ये इसमें मैं ऐड करती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे हम इसमें, बीच बीच में हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी वापस से इसके ऊपर मैं ढक्कन रखती हूँ और 7 मिनट के लिए मैं इसे रखती हूँ।
ये 7-8 मिनट हो चुके हैं, गैस के फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ कि अपने रसगुल्ले कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बनाया था उस साइज से ये 2-2.5 गुना बड़ा है, सभी ऐसे ही फूले हैं। तो अभी हम इसका एक ट्रायल लेते हैं। ये एक कटोरी में मैंने सादा पानी लिया है जिसमें हम ये रसगुल्ला डालेंगे। अगर ये नीचे बैठ जाता है तो ये पक्का है। ये देखिए पूरी तरह से रसगुल्ला नीचे बैठा है, इसका मतलब ही उसने शुगर सिरप को अच्छे से सोक कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ला बहुत ही अच्छे बने हैं। अभी इसे हम फ्रीज में रखेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। आप इसे 5-6 घंटे ऐसे ही फ्रीज में रखिए। रसमलाई के लिए 1 लीटर दूध हमने लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। इसे हमने उबालने के लिए रखा है, 6 मिनट हो गए इसे उबलने के लिए रखा है। ये दूध हम गाढ़ा कर लेंगे थोड़ा सा। ये हमारे दूध को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें हम ये 1/2 कप शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर आप आपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा शक्कर डालिए। और साथ ही में इसमें हम ये इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। ये हमने 1 टीस्पून लिया है। वापिस इसे 4-5 मिनट के लिए हम उबल देते हैं। इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये पिस्ता और बादाम मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा ठीक हमें ये दूध चाहिए नहीं, रबड़ी जैसा इसे हमें बनाना नहीं है, नहीं तो हमारा रसगुल्ला इसे सोक नहीं कर पाएगा। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे भी हम ठंडा कर लेते हैं। ये इसमें का ही थोड़ा सा दूध हमने बाजू में निकाल लिया। इसमें हमने ये 7-8 केसर के धागे डाले हैं और ये अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें का ही 1 कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। इसमें मैंने लेमन येलो कलर मिक्स किया है। हमारे रसमलाई को अच्छा कलर आना चाहिए जैसे बाज़ार में मिलता है, इसलिए हमने ये ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, पर इससे कलर अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे करके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसमलाई को कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसमलाई में कितना रस है ये आप देख सकते हो। ये देखिए सभी साइड से रस एकदम बाहर निकल रहा है। ये मैंने स्क्वीज किया है, अभी मैं ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर तक इसके पूरा रस गया है और कितना अच्छा उसका कलर भी चेंज हुआ है पूरा। हमारी रसमलाई की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।